Corona has been having a big impact on the overall market. How would you take your, you know, we wanted to take a comment on how it is impacting on real estate specifically, and what kind of precautions should we take to prevent this spread? Basically, your question is into two parts. One is how is it Yeah. impacting the real estate? Yeah. That way we'll tackle later. Let us talk about the precautions to be taken. The government has been very kind enough to to instruct the citizens, give advisories from time to time on the kind of precautions to be taken, which is basically today what is required is social distancing. लोगों का मिलना जुलना थोड़ा कम होना चाहिए. मुंबई में तो आई स्पीक हिंदी इंग्लिश मिक्स. या मुंबई में तो लोगों की आदत है कि इवन ऑन अ डे हॉलीडे, छुट्टी के दिन में भी, वीकेंड दिन में भी ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, और घर में कोई बहुत कम ही लोग बैठते हैं. या तो बाहर जाके दूसरे लोगों से मिलने जाते हैं, या तो फिर आउटिंग, पिक्चर देखने जाएंगे या मॉल में जाएंगे. ये आउटिंग की बहुत पुरानी आदत है हमारे मुंबईकरों में, और इसमें काफ़ी दुख दिक्कत हो रही है लोगों को घर में बैठे रहना. लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग जेल में बंधे हुए हैं, कहीं बाहर जा नहीं पा रहे हैं वगैरह वगैरह. तो इसीलिए अभी कहीं भी जाइए, आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो कम हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग ट्रेन में जाना जाना इतना कम नहीं किया जितना होना चाहिए. तो तो अभी इसीलिए ट्रेन के लिए भी सर बोला गया है कि यू नो यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, बट ट्रू देन मुंबईकर्स हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट कम्यूटिंग बाय ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सो देयर नहीं, ट्रैवल इफ नेसेसरी, इफ एब्सोल्युटली नेसेसरी. ऐसे ही कोई विदाउट नहीं रीजन, क्योंकि मेरे पास रेलवे पास पड़ा है, मैं आ जा सकता हूँ. और कई ऑफिस में भी अभी ये ढील दी गई है कि आप लोग घर में बैठ के काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम. बावजूद उसके लोग जा रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि बिना वजह, विदाउट एनी रीजन जा रहे हैं. और बाहर से लोगों के आने की संख्या भी काफ़ी कम हुई है, लेकिन जितना होनी चाहिए उतनी कम नहीं हुई है. जैसे हमारी मेड सर्वेंट है, उसके घर में शादी हो रही है कहीं जालना वगैरह में, वहाँ से उसके रिलेटिव्स कार्ड देने के लिए यहाँ पर आए हैं, ट्रैवल करके पूरा बस में, ट्रेन में. दोज काइंड ऑफ थिंग्स अवॉइडेड अवेलेबल. लकीली हम लोग यही कह रहे हैं हमारे मेड सर्वेंट्स को, बाकी लोगों को, या फिर हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स है बाहर आउटसाइड द मेट्रो सिटीज, कि ब्लिसफुली लकीली अभी तक ये बीमारी जो है कोरोना कोरोना वायरस गांव से दूर है, अभी भी शहर के लिए ही सीमित है. वो एक अच्छी बात है गांव के लिए, और क्योंकि हमारे यहाँ गांव की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर हाइजीन लेवल थोड़ा कम है, और वहाँ पर ज़्यादा जल्दी ये बीमारी पसरने की, फैलने की आशंका है, डर है. इसीलिए शहरी वासियों को भी खास करके केयर लेने की बहुत ज़रूरत है, और लोगों को कहें, आपके धोबी है, मेड सर्वेंट है, और इधर भी बाहर जा आपके वॉचमैन है, ये लोगों से देखिए आना जाना बंद करें, और अपने रिश्तेदारों से भी कहो थोड़ी दिन घर में बैठो, आराम करो. How are the residential societies taking up initiative to, you know, fight against this coronavirus? या सोसाइटीज तो काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रहे हैं, कि एक तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भी काफ़ी सारी सूचनाएं हैं कि यहाँ पर टू टेक केयर, डिसइंफेक्ट करने का, और जहाँ पर लिफ्ट है दिन में कम से कम 2-3 बार लिफ्ट को साफ सफाई करने का, और जो स्टेयर केस के हैंडल्स है उसको भी साफ कर रहे हैं, और झाड़ू वगैरह भी, खैर वो तो रेगुलर होते रहता है. और इंटरनली ऑल्सो सबको ये सूचना दी जा रही है कि आप लोग साफ सफाई रखो, स्वच्छता रखो. और इस बीच एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, डेवलपमेंट ये है कि मार्च 22 जो है, इट इज़ वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिन है. और आज के तारीख में हाथ पैर धो हाथ धोने के लिए बहुत सारी स्वच्छ पानी की जरूरत पड़ती है, इसके लिए टैंकर का पानी वगैरह यूज करना फजूल की बात है. तो स्वच्छ पानी की जब जरूरत है, अपने को पानी का कंजर्व करना, पानी को सेव करना बहुत जरूरी है. और नॉर्मल टाइम में तो हम लोग ये सेव वाटर कैंपेन करते ही हैं, कोरोना वायरस के टाइम पे खास करके इसकी ज़्यादा आवश्यकता है. इसलिए हम लोगों ने, हमारी एक संस्था है नेट कनेक्ट फाउंडेशन, जो एनवायरमेंट एनजीओ है, उसके थ्रू हम लोग ने एक मुहिम छेड़ी है, एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया है. वी हैव टाइड अप इन, वी हैव अलाइंड विद द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डे, उनकी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, और हमने एक कैंपेन शुरू की है, #SaveWaterForCoronaCare, #SaveWaterForCoronaCare. तो और खास करके हमारे नवी मुंबई जैसे शहरों में जहाँ पानी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि स्वच्छ पानी ड्रिंकिंग वाटर पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर सप्लाई होती है और ज़रूरत से ज़्यादा मैं कहता हूँ। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे लोगों की बहुत पुरानी बुरी आदत है, हम लोग घर धोने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, गाड़ियाँ धोने के लिए, इतना तक कि स्टेयरकेस और रास्ते दीवार ये सब साफ करने के लिए भी पीने के पानी की इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर रोक होनी चाहिए, रोक ऑटोमेटिकली नहीं होगा, इसके लिए पानी की तो ज़रूरत है ही। यहाँ पर बहुत सारे मात्रा में रिसाइकल्ड पानी है, वी हैव लॉट ऑफ रिसाइकल्ड वाटर अवेलेबल हियर, वी हैव लॉट ऑफ एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वहाँ से जो रिसाइकिल होकर स्वच्छ होकर पानी निकलता है, दैट वाटर इज बींग यूज फॉर सम टू सम एक्सटेंट फॉर गार्डनिंग। मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा मात्रा में यूज करने की बहुत ज़रूरी है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले एक डेडिकेटेड पाइपलाइन लगानी चाहिए, वही क्वांटम इन्वेस्टमेंट होगा वो नागरिकों के लिए, उसके थ्रू आप एक डेडिकेटेड टाइम पे फिक्स टाइम पे वो पानी सप्लाई कीजिए, सोसाइटी वाले वो पानी स्टोर करेंगे, उसको गार्डनिंग फ्लशिंग वगैरह के लिए वो पानी यूज कर सकते हैं। और प्रेशियस पानी बचा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पानी ज़्यादा है, आपके शहर में पानी ज़्यादा है, जहाँ पर पानी की ज़रूरत है उस पानी को वहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब समर आ रही है, समर में तो पानी की टंचे तो बहुत 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 बड़ी मात्रा में होने वाली है। एंड सर, हाउ आर द सोसाइटीज एम्बाइबिंग क्लीनिनेस एंड क्लीन वाटर इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस? क्लीन वाटर तो है, बिकॉज वाटर कम्स फिल्टर्ड, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव फिल्टर्ड सिस्टम। शहरों में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जितना कि स्लम्स में हो गया या फिर आपके ग्रामीण प्रांतों एरिया इलाकों में, लेकिन क्लीन वाटर का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इतना बड़ा प्रॉब्लम इसके लिए नहीं है कि अभी पानी की सप्लाई ठीक ठाक है। जब पानी की सप्लाई के ऊपर रोक होगी या उसको रेशनिंग करेंगे या बारिश आने का मानसून ऑनसेट डिले होगा, उस समय पानी का सप्लाई के ऊपर थोड़ा नियंत्रण होगा और रेशनिंग करेंगे लोग, एक दो दिन पानी का सप्लाई रोक देंगे, उस समय जब टैंकर का पानी हम लोग लेंगे, वो टैंकर का पानी कहाँ से आती है उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, तो उस टाइम तो खैर डबल केयर लेने की बहुत आवश्यकता है। ये केयर सिर्फ 15 दिन नहीं है, मैं समझता हूँ इस केयर हमेशा जरूरत है इस तरह की केयर लेने की। सर, नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज कंसिडर्ड एज द सेकेंड रिचेस्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन विच हैज अ लॉट ऑफ क्लीनिनेस इटसेल्फ इनसाइड द ऑफिस विच इज गिवन अ ग्रीन टैग। स्वच्छ भारत में हम लोग नंबर 3 पे है। एनएनएमसी से क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं टू यू नो स्टॉप फॉर द सोसाइटीज टू स्टॉप एंड कर्ब दिस स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, एंड आर दिस सोसाइटीज इंप्लीमेंटिंग ऑल दिस यू नो लॉज एंड रिस्ट्रिक्शंस डन बाय एनएनएमसी? मोस्टली यस, मोस्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ से लोग भी काफी रिस्पॉन्सिबल हैं और अनावश्यक अननेसेसरी ट्रैवल नहीं कर रहे, जैसे कि मैं भी आज घर निकलने से वंचित हो गया, ना निकल नहीं पाए क्योंकि तो मेरे घर वाले, मेरे डॉक्टर, मेरा आजू बाजू के लोग, मेरे ड्राइवर खुद, मेरे ड्राइवर के ड्राइवर जहाँ रहता है उसके एरिया में 2-3 सस्पेक्टेड केस निकले थे, क्लियर हो चुका है वो, लेकिन फिर भी केयर लेना बहुत ज़रूरी है। केयर स्टार्ट्स विथ यू, इनका भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, की लोग बात करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, इट इज MSR, माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, जिम्मेदारी अपना ठीक से नहीं निभाऊँ, तो मुझे बाकी के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत हक ही नहीं है। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ठीक अपना काम कर रही है, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की सारे कॉर्पोरेटर्स की, हमारे कमिश्नर मिस्टर ना साहब मिश्रल, उनकी मैं सराहना करता हूँ कि ये लगातार सूचनाएं दे रहे हैं, व्हाट्सएप में इनका एक ऐप है और ट्विटर में भी काफ़ी एक्टिव है, चल रहा है। इस बीच आज ही मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर से एक बात कही, ट्वीट किया है, थूकने की आदत बहुत बुरी आदत है, यहाँ पर रास्ते पे थूकते हैं, आप कोई भी ऑटो स्टैंड में चले जाओ, आपके क्या नाम है, रिक्शा स्टैंड में चले जाओ, टैक्सी स्टैंड में चले जाओ, बस स्टॉप में, पान शॉप के पास में लोग तंबाकू लेते हैं, थूकते हैं, ये बहुत बुरी पुरानी आदत है और इससे भी काफ़ी सारी बीमारियां फैलती है। कोरोना के टाइम पे खास करके इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने एक इंटरेस्टिंग कैंपेन शुरू करी है, #, सर उठा के थूको। अब नीचे थूकते हो ना, ऊपर थूक के देखो ना, पता चलेगा थूकने से क्या होता है। तो और कॉन्फ्रेंस में हमने कहा कि जो थूकते हैं उनको पकड़ो, उनके ऊपर एकदम हेफ्टी पेनल्टी इम्पोज करो, कम से कम 1000 रुपये का पेनल्टी डालोगे ना, तब जाके लोगों को समझ में आएगा थूकने से क्या होता है। एंड सर, कम्युनिटी को बचाना है तो नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम ऑफ कोरोना आउटब्रेक, सो हाउ डू यू थिंक कम्युनिटीज इन सोसाइटी कैन डू दैट, लाइक द स्मॉल कम्युनिटीज?
यस आपके आप जो जिस तरह से जिस तरह की केयर ले रहे हैं, प्रिवेंटिव केयर ले रहे हैं, उसको और दिन उसको स्प्रेड करने की जरूरत है फॉर ए लॉन्ग टर्म। मैं समझता हूँ कि अगले हाफ हफ्ता, 10 दिन नहीं, 15-20 दिन, जब तक ये तैयार ना हो जाए कि हाँ भाई कोरोना का भी डर निकल चुका है, और कहीं कहीं सख्ती की भी जरूरत पड़ती है। जिस तरह से भी मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ट्रेन रोकना पड़ेगा, तो जरूरी है, अगर अत्यावश्यक होगा तो लोगों को जाना जरूरी है, मेडिकल है तो जरूर जाना जरूरी है। उसके लिए तो एम्बुलेंस वगैरह यूज करो ना, ट्रेन में कोई जाने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर सरकार भी ध्यान देने की बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक ये कम्युनिटी लेवल पे अभी तक आया नहीं है, व्हिच इज वेरी फॉर्चुनेट। अच्छी बात है, अभी तक बात ये इस तरह की घटना हो नहीं रही है। And sir, what kind of measures housing societies are taking to fight against corona? Have you seen any such different decisions done by societies? Because I have seen few societies in Navi Mumbai, specifically Khargar and Belapur and Nerur. They don't allow people coming from outside. Like someone is visiting me, they are not allowing to come inside the society. No chai wala, no housemaids, house helpers are allowed. So have you seen such things in overall Navi Mumbai and how they are following it? आई थिंक मोस्ट ऑफ दम आर फॉलोइंग वेरी स्ट्रिक्टली। जो जो जरूरत है, जैसे कि आपका धोबी हो गया, इस्त्री वाला हो गया, पेपर वाला तो बाहर से पेपर डाल के चला जाता है, उसको तो घर में आने की इतनी बड़ी ये नहीं है। और हम वॉचमैन है, मोस्टली हर सोसाइटी में CCTV कैमरा है, लोगों का आने जाने के ऊपर कंट्रोल है ही, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और लोगों ने कहा कि जो भी आदमी आता है उसका खास करके डिलीवरी बॉयज, उनको ये मास्क पहन, ग्लव्स है कि नहीं, ये सब चीज़ों का ध्यान देकर ही उनको अंदर छोड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की कार्रवाई जो प्रिवेंटिव केयर जो ले रहे हैं फिलहाल, वो और ज्यादा दिन इसको बरकरार रखने की आवश्यकता है। एंड सर, इफ यू टॉक अबाउट द मेजर्स व्हिच वी टेक, बेसिक्स हाइजीन एंड सैनिटेशन व्हिच यू वाज आल्सो सेइंग, जी, सो पीपल लाइक अस कैन यू नो हैव इट, बट देन पीपल स्टेइंग इन स्लम्स, इफ सपोजिटली द आउटब्रेक रीचेस द स्लम्स, then what kind of outbreak it can be, how it will be a big reach, because then everyone is related to like slums like Dharavi or Turbe slums. So what kind of measures do you prefer to people staying in slums also? Sabse pehle cleanliness jo rakhna, ye to municipal corporation ki zimmedari, wahan par regular cleanliness maintain kare aur personal hygiene ke bare mein samjhaye, aur उन लोगों को भी कहें कि ज़्यादा आप लोग घूमिए मत, और ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा। जिस तरह से पुलिस बोलती है कि 144 सेक्शन इंप्लीमेंट करती है, सब समझे कम्युनल राइट्स होते हैं, उस समय जिस तरह से 144 सेक्शन की इंप्लीमेंट होती है, तो एक सेकंड, तो 144 सेक्शन जैसे कानून को इंप्लीमेंट करें और मेक श्योर दैट पीपल डू नॉट मूव आउट। इसके लिए पुलिस और उस समय वॉलंटियर फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जिससे पुलिस को भी, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को भी, मेडिकल अथॉरिटीज़ को भी, सबको साथ मिलकर एक मोहल्ला कमेटी जैसे बनाया जाए, ताकि मेक श्योर कि लोग बाहर नहीं आए, ज़्यादा लोग घूमे फिरे नहीं बाहर इस समय, क्योंकि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सोसाइटी को मिलकर इसमें काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, सिवाय सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या पुलिस, और सख्ती करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं पुणे का एक वीडियो देख रहा था, पुलिस स्टेशन, पुणे स्टेशन रेलवे स्टेशन से लोग बाहर आ रहे थे, पुलिस है, हेल्थ वर्कर्स उनको साथ में लेके जा रहे हैं, गाड़ी में लेके जा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, फिर उनको जाके बाहर छोड़ रहे हैं। उस तरह सा एक डंडा चलाने की जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। एंड सर, टॉकिंग अबाउट द, लाइक यू सेड 144 वाज इम्पोज्ड इन पुणे, सो डू यू थिंक इट इज नेसेसरी फॉर लाइक इम्पोज्ड 144 इन मुंबई आल्सो, बिकॉज़ पीपल आर नॉट स्टॉपिंग टू गो आउट टू वर्क, पीपल हैड टू, do you think it is necessary, and if it is necessary till what extent? ek to 144 section ki baat ho gayi, abhi maine whatsapp pe padha tha ye jo CA anti CA agitation chal raha hai, jaise aap shaheen bag ho gaya, kal mumbai mein bhi chal raha hai, us tarah ki ghatna agitation, theek hai, democratically apne ko protest karne ka hak hai, aap protest karne ke liye aur kai sare marg hain, abhi online sara kuch online mein ho raha hai, online ke internet ke through, whatsapp ke through, facebook ke through, ट्विटर के थ्रू, प्रधानमंत्री का भी ऐप है, हरित मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल्स है, उसके थ्रू भी आप करो ना, और कोर्ट में भी, हाई कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट दोनों ने भी निर्णय ले लिया कि जरूरत पड़े ओनली इमरजेंसी केसेस अटेंडेंस आई मीन विल बी हैविंग सेशन, इन लोगों ने भी अपनी सेशंस बंद किया। और ये जो एक एक सूचना आई थी अभी कल पत्रकार संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं 16-20 लोग इकट्ठा होकर स्पोक्स पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने वाले 16 लोग हैं। कॉन्फ्रेंस किसके बारे में? सीए के बारे में, कोरोना वायरस की वजह से ये हड़ताल के ऊपर हम लोग क्या निर्णय लेने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि सीधा सीधा आप एक पर्सनल इशू कर दो ना, या व्हाट्सएप में ट्विटर में आप अनाउंस कर दो कि एजिटेशन आप क्या कर रहे हो, वापस ले रहे हो कि स्थगित कर रहे हो जब तक कोरोना वायरस की स्थिति ठीक ना हो जाए। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के फिर भीड़ इकट्ठा करके आप लोग 10-15-20 लोग जाके ये करने की क्या जरूरत है? And sir, नहीं सर, बट देन सेक्शन 144 से कितना इम्पैक्ट होगा नॉर्मल लाइफ पे एंड हाउ मच इट विल इफेक्ट द डेली लाइफस्टाइल, उस पे व्हाट इज योर टेक? देखिए डेली लाइफस्टाइल पे ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि सरकार कहती है कि जो रोजमर्रा की जो जरूरत की जो चीजें हैं जैसे आपके रिटेल स्टोर्स हो गए और इवन मॉल्स में भी जो रिटेल यूनिट जो है जैसे कि खाने पीने की चीजें दूध वगैरह वो सब तो मिल ही रही है, उसके ऊपर ज्यादा कुछ असर नहीं होगा। 144 का सेक्शन का मतलब यह होता है कि चार से ज्यादा यानी पांच और अधिक लोग जमा नहीं होना चाहिए, एक साथ नहीं जानी चाहिए। तो अब आपको चाय पत्ती लेनी हो या कुछ चीज लेनी है बाहर जाते हो, आपको 8-10 लोग जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर कोई जुलूस निकालने की जरूरत नहीं, आप अकेले जाओ, किसी को भेजो या फिर कॉल करो, आपको होम डिलीवरी होगा तो बाहर आप डिलीवरी ले लो, आप सेफ रखो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड सर आई वांटेड टू आस्क दिस शॉपिंग एंड वर्किंग इज इट गोना इंपैक्ट द शॉपिंग स्टाइल लाइक व्हाट यू सेड वर्किंग लाइफस्टाइल, शॉपिंग तो इट्स फाइन, वर्किंग लाइफस्टाइल डेफिनेटली बिकॉज़ अभी लोग आदि पड़ जाएंगे इस चीज का, सारे काम तो सुचारू रूप से चल ही रहा है जैसे मीडिया वाले हो गए, दूसरे आईटी वाले हो गए तो उनका तो काम काज तो ठीक ठाक चल रहा है, सारा काम तो इन्हें भी ऑनलाइन ही होता है, आप घर में बैठो या ऑफिस में जाकर बैठो। उससे एक अच्छा परिणाम ये होगा कि एक परिणाम होगा, अच्छा होगा बुरा होगा वो तो कंपनी अपने आप डिसाइड करेंगी। ओवरहेड जो है ना आपके कॉस्ट जैसे ट्रैवलिंग के ऊपर कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, जैसे आज मुझे पेट्रोल लेने की जरूरत नहीं है, मुझे गाड़ी में निकाल रहा हूँ मैं, मुझे टैंक भर के रख दिया, हफ्ता 4-5 दिन चलता था, अभी तो मुझे 15 दिन तक की गाड़ी निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे पेट्रोल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ियों में एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे ओजोन के ऊपर असर पड़ेगा, ऑफिसर्स में एसियां बंद रहेंगी, बिजली बंद रहेगा, कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ पावर भी बंद हो जाएगा। आगे जाकर इन सारे कंपनियों को बड़ी बड़ी ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे छोटे ऑफिस में कमरों में से अपना काम चला सकते हैं, आपका एमडी आपका चेयरमैन भी अपने घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट, इतना कि आप एनेबल कर दो, सबको लैपटॉप दे दो, आपका उतना ही ओवरहेड है, बाकी सारे ओवरहेड बच जाएंगे। और अगर बाहर से बिजनेस कोई आएंगे उनके लिए अभी इंस्टेड ऑफ पुटिंग द होटल्स सर्विस अपार्टमेंट जो अवेलेबल है उसका जो है अभी वो कल्चर बनने वाला है। रियल इस्टेट के बिजनेस के बारे में अगर कहा जाए सर्विस अपार्टमेंट फुली इक्विप्ड, वहाँ पर बेड होगा आपका, हो किचन्स है, टीवी सेट है, कनेक्टिविटी है, ब्रॉडबैंड है, सब कुछ रख के वहाँ से भी आप लोग अपना कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर सकते हैं। और जैसे रेंटेड होम में लोग रहते हैं आजकल तो घर खरीदना तो खैर बहुत मुश्किल बात है, आम आदमी के हाथ में अभी तक घर आ नहीं रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग के लोग सिर्फ बातें करती हैं, वो सरकार भी उसके ऊपर कभी तक ठोस कदम नहीं उठाया। कोई भी अगर मुंबई जैसे शहर में इवन पुणे जैसे शहर में आप जाओ घर लेने का हो तो कम से कम 1 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ती है, 1 करोड़ रुपया घर के लिए यानी कि 80 लाख रुपया आपको कम से कम जमाना पड़ेगा, मतलब लोन लेनी पड़ेगी, उस 20 लाख रुपया अपने पॉकेट सबको देना पड़ेगा, 80 लाख रुपया अगर आप पढ़ रहे हो 80,000 रुपया कम से कम महीने का आपका ईएमआई जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं तो इसलिए लोग अभी रेंटेड हाउस ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, रेंटेड हाउस की जगह अभी सर्विस अपार्टमेंट्स की कल्चर बढ़ेगी तो अच्छी बात है। हमने सुना कि कुछ कंपनियाँ प्राइवेट कंपनियाँ वो इसके ऊपर ध्यान दे रही हैं, जो होटल वगैरह में कॉन्सेंट्रेट करते हैं फोकस करती हैं, सर्विस अपार्टमेंट्स की संख्या बढ़ेगी, वो जटली भी ट्रेंड सेटर चेंज लिविंग स्पेस यू आर टॉकिंग अबाउट। जी ओन योर स्पेस।